और ये दोस्तों ते मित्रों ते मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपने बार बार देखनी है। नो योर राइट्स दोस्तों ते मित्रों, ये वीडियो तुसी बार बार देखनी है। बीइंग ए सीनियर एडवोकेट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं आज आपके सामने कुछ लीगल डेफिनेशंस रखना चाह रहा हूँ, जिसका जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है और जिसपे अमल करना भी इंतहाई जरूरी है। तो ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा स्पेशल है, ये आपने खुद भी देखना है और अपने चाहने वालों को भी देखना। मेरे इस साइड पे डॉट लॉ लिखा हुआ है और इस साइड पे लिखा हुआ है इंजरी लॉ। मैं ये दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में आपसे बात करूंगा। ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है, इसको गौर से सुनिएगा, जाइएगा नहीं। पर्सनल इंजरी, पर्सनल इंजरी क्या है? एक एडवोकेट की, एक कानून के तालबे इलम की बात सुने। मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ताहयात मेंबर हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कनाडा में रहती है उसको ये दो टॉर्ट लॉ और इंजरी लॉ दोनों के बारे में जरूरी है। पर्सनल इंजरी क्या होती है पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। पर्सनल इंजरी इज ए लीगल टर्म फॉर एन इंजरी टू द बॉडी माइंड और इमोशंस इन कॉमन लॉ ज्यूरिस्डिक्शन। जिस तरह हमारी कॉमन लॉ ज्यूरिस्डिक्शन है कनाडा में और पाकिस्तान में भी, द टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू ए टाइप ऑफ टॉर्ट लॉ सूट इन विच द पर्सन ब्रिंगिंग द सूट हैज सफर्ड हार्म टू देयर बॉडी और माइंड। वो लोगों का जो कि जिनकी बॉडी या माइंड को कोई हार्म पहुंचा है किसी से, ये टॉर्ट लॉ के लॉ सूट्स होते हैं। लीगल इंजरी क्या होती है? लीगल इंजरी की टर्म भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एनी हार्म और इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम ए वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। अगर किसी ने आपका वो लीगल राइट वायलेट वायलेट किया है और उससे आपको वायलेशन की है, जिससे आपको नुकसान पहुंचा है या जिससे आपको लीगल इंजरी हुई है, आप उस पर लॉ सूट कर सकते हैं। वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसको, आप उसे जुर्माना या जो भी मर्जी कह लें वसूल कर सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। इंजरी, सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ इंजरी आर ग्रीवियंसेस, इनजस्टिस एंड रॉन्ग डूइंग, व्हाइल ऑल दीज मीन्स एन एक्ट दैट इन्फ्लिक्ट्स अनडिजर्व्ड हर्ट। इंजरी अप्लाइज इन लॉ स्पेसिफिकली टू इनजस्टिस फॉर विच वन मे सू टू रिकवर कंपनसेशन। यानी आपको अगर किसी ने को ग्रीवियंस किसी ने दी है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने अमल से, आपको इनजस्टिस आप फील कर रहे हैं, अगर किसी आपके साथ रॉन्ग डूइंग हो गई है, आपको किसी ने जो भी कुछ नुकसान पहुंचाया है उसकी कंपनसेशन के लिए आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? टॉर्ट्स का मतलब अंग्रेजी से उर्दू में होता है, उसको कहते हैं जरर। जैसा कि उर्दू में लिखा जाता है कि रोमन उर्दू में भी लिखा, टॉर्ट्स के बहुत सारे मुतरादफ हैं जिनमें जुल्म, खिलाफ वर्जी, ब्रेक, केस, बदनवानी, जुर्म, जुर्म इल्जाम, लापरवाही, बढ़ाई बढ़ाई, गलती, जुर्म वगैरह वगैरह वगैरह, ज्यादती, बदमाशी, खिलाफ बदकारी, गलत काम, बहुत गैर समाजी रवैया वगैरह, बहुत सारी चीजें जो होती हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में आती हैं। और अगर आपको कोई जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कोई नुकसान पहुंचे तो लॉ ऑफ टॉर्ट के जरिए आप इंजरी लॉ के जरिए कंपनसेशन हासिल कर सकते। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों से मित्रों, मेरी गलत गौर ना सुनो, मेरी बात को गौर से सुने। डोंट इग्नोर माई थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन कैनेडा ऑल्सो। पर्सनल इंजरी लॉ सूट कौन लोग फाइल करते हैं? आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, मगर
किस तरह एलिजिबल होती है। पर्सनल इंजरी लॉ सूट्स आर फाइल्ड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव वकील आपके बिहाफ पे। इंजर्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ समवन एल्स। इंजरी के क्या दो मतलब है ना, फिजिकल इंजरी होती है, एक लीगल इंजरी होती है। मैं लीगल इंजरी की बात कर रहा हूं। द इंजरी मे बी इधर फिजिकल और इमोशनल। इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, और इट कैन अराइज फ्रॉम वराइटी ऑफ सोर्सेज ऑफ टाइप ऑफ कंडक्ट। आप किसी का बिहेवियर जो है, मतलब जब मैंने जो टॉटला का मतलब बताया उसमें जो लफ्ज बताया वो दोबारा वीडियो सुन। ये मैं आपको एक आगाही देना चाह रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। नो योर राइट्स। कैनेडा में रह के अपने राइट्स जानिए। इस सिलसिले में अगर मजीद बात करनी है तो मेरा नंबर है 416-890-6601। इरफान बाबा मलिक। आई एम सीनियर एडवोकेट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं टॉर्ट लॉ और इंजरी लॉ की वहाँ प्रैक्टिस करता रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लॉयर, इंजरी लॉयर्स मेरे वाकफ हैं। अगर आपको समझते हैं कि आपको किसी वजह से कोई इंजरी लॉ का मसला है या टॉर्ट का मसला, तो मुझे कॉल करें, मेरे साथ डिस्कस करें। मैं आपको उन लॉयर से लिंक कराऊंगा जो आपके लिए काम करेंगे और आपको कंपनसेशन दे के देंगे। घबराना नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान, कोई आपको तकलीफ हो जाता है, कोई हर्ट करता हो, खास तौर पे मैं ख्वातीन को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझसे जरूर रब्ता करें इन केस यू वांट सम कंपनसेशन और सम लीगल इंजरी और समथिंग लाइक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। अगर आप किसी पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो हो सकता है आपको भी कंपनसेशन देनी पड़े। तो एक्सपर्ट से बात करें, इंजरी लॉयर्स जो कनाडा में है उनसे बात करें। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। इरफान बाबा मलिक, 416-890-6601। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नो योर राइट्स। आगे अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने क्या करना।